चैप्टर टू हमारा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुकी हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स थे जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे जितने भी इंसेक्ट वगैरह थे इन सब के बारे में मैं बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुकी हूँ इसके अलावा अभी मैंने जो स्टार्ट किया है पार्ट सेकेंड से वो मैंने स्टार्ट किया है ह्यूमन डाइजेशन ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में ठीक है कि ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं क्या प्रोसेस होती है उनका डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको पार्ट सेकंड में बता चुकी हूँ आधा मैं उसके बारे में बता चुकी हूँ और बचा हुआ जो बचा हुआ पार्ट है ह्यूमन डाइजेशन का वो मैं इस पार्ट में कवर करूंगी और इसी के साथ आपका ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है सो लेट्स केट स्टार्टेड डाइजेशन के पार्ट फर्स्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ uh, कहाँ से होता है uh, कितने पार्ट होते हैं ह्यूमन डाइजेशन में कितने कंपार्टमेंट होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारी चीजें बेसिक मैंने आपको बता चुकी हूँ इसके साथ ही साथ मैंने आपको डिटेल्ड वे में माउथ uh, uh, के बारे में बता दिया है और इसके अलावा ओसोफेगस के बारे में बता दिया है अब हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे इस पार्ट में जो कि है हमारा स्टमक ठीक है स्टमक क्या होता है यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे हैं स्टमक जो है हमारा ओसोफेगस से आके मिलता है यानी ओसोफेगस से जो पाइप है हमारा जो ओसोफेगस है वो हमारा के स्टमक से जुड़ा हुआ होता है और जो हमारा फूड होता है वो उस ओसोफेगस उस की हेल्प से ओसोफेगस के थ्रू आता हुआ हमारे डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है उसके बाद जो है ऑसोफेगस के थ्रू फूड जो है हमारा स्टमक में आता है ऑसोफेगस का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा फूट को स्टमक तक लाने तक का है उसके बाद स्टमक में आने के बाद स्टार्ट होता है हमारा फिर से फर्दर डाइजेशन ठीक है यहाँ पे क्या होता है जैसे ही फूड मेटीरियल हमारा स्टमक में आता है वैसे ही स्टमक जो है वो तीन तरह के सिक्रेशन करता है तीन तरह के अम्म इंजाइम्स का सिक्रेशन करता है कौन कौन से वो तीन इंजाइम होते हैं फर्स्ट वन इज म्यूकस सेकंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड थर्ड वन इज आपका होता है डाइजेस्टिव जूसेस ठीक है तीन तरह के सिक्रीशन uh, uh, करता है तीन तरह के एलिमेंट का सिक्रीशन करता है फर्स्ट वन इज म्यूकस सेकेंड वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड वन इज क्या है हमारा डाइजेस्टिव जूस ठीक है क्लियर हो गया ये चीज अब मैं आपको इन तीनों का फंक्शन बताती हूँ आप में से बहुत सारे लोग अवेयर होंगे आप लोगों ने टर्म सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है अगर उसकी एक ड्रॉप भी आपकी स्किन स्किन पे पड़ जाए तो आप कई लेयर तक जल सकते हो ये इतना स्ट्रांग होता है ठीक ये सब चीज समझ में आ गई तो अगर ये अगर आपने सोचा कि अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग है कि अगर उसकी एक ड्रॉप भी आपकी स्किन पे पड़ जा रही है तो आपकी स्किन कई लेयर तक जल जा रही है तो जो है हमारा स्टमक उसे कैसे बेयर करता है तो उसका इंतजाम भी हमारे स्टमक ने किया है जो म्यूकस नाम का जो म्यूकस नाम का सिक्रीशन करता है हमारा स्टमक वो क्या काम करता है वो हमारे वॉल के स्टमक वॉल की इनर लाइनिंग यानी जो इंटरनल जो वॉल होती है ये जो आप रेड रेड देख रहे हैं ये जो पोर्शन है यहां पे वो पूरा फैल जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साइड इफेक्ट से हमारे स्टमक की वॉल को ये बचाता है ठीक है अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना हार्मफुल है तो हमारा स्टमक उसे प्रोड्यूस ही क्यों करता है उसे प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे खाने के साथ हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है जिससे कि जितने जितने भी भी है, जितनी भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, हैं, लिविंग में जो हमारी हमारी बॉडी बॉडी के लिए अनयूज़फुल और वो हमारी में आ गए हैं थ्रू अवर फूड उनको वो किल कर देता है उनको वो मार देता है इसके अलावा दूसरा क्या फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में एसिडिक कंडीशन क्रिएट करता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है यानी जो डाइजेस्टिव जूस हमारा स्टमक क्रिएट कर रहा है हमारा स्टमक जो रिलीज कर रहा है डाइजेस्टिव जूस वो डाइजेस्टिव जूस का टेंडेंसी होती है उनके जो है करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो एसिडिक नेचर uh, में ही एसिडिक इन्वायरमेंट में ही प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं तो ये दो रीजन की वजह से हमारा स्टमक uh, जो है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है पहला जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए और दूसरा फूड के डाइजेशन के लिए जो भी आइडियल इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करने के लिए एसिडिक इन्वामेंट क्रिएट करने के लिए क्लियर हो गया आपको ये अब नेक्स्ट uh, है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्टिव होता है उनका सिंपल हमारे फूड मटेरियल को वो डाइजेस्ट करने का काम करते हमारी में, uh, sorry, हमारे में जिस न्यूट्रिय का डायजेशन होता है वो होता है हमारा प्रोटीन यानी वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है माउथ जो है हमारा जो हमारी सिलाईवा होती है उसने हमारे स्टार्ट को ब्रेक डाउन कर दिया नेक्स्ट फूड जो है स्टमक में आया और स्टमक में आने के बाद प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन हो गया क्लियर हो गया नाउ कम्स टू नेक्स्ट ये आपका स्टमक हो गया पे मैं आपको एक छोटी सी चीज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ कि पहली बार स्टमक की स्टडी कैसे की गई पहली बार कैसे पता चला कि हमारा जो स्टमक है वो म्यूकस को रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है इसमें क्या हुआ था समवेयर नियर टू एटीन एक बार एक आदमी को जो है वो बुलेट लग गई एक जो आर्मी ऑफिसर था उसको बुलेट लग गई और उस समय उसके उसके के पास उसके स्टमक में वो बुलेट लगी थी और उस समय जो है बुलेट लगने का मतलब होता था डेथ क्योंकि हमारा जो मेडिकल था हमारा जो मेडिकल फील्ड थी वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई थी वो इतना ग्रो नहीं कर पाई थी और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से उन्होंने वो अः मतलब उनका बचना बहुत ही मुश्किल था लेकिन एक डॉक्टर थे उन्होंने उन्हें बचा लिया उन्होंने उनका ऑपरेशन किया वो बुलेट को निकाला और सारी चीजें वो कर सके ठीक है उसके बाद

नेक्स्ट है हमारा इंटेस्टाइन ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे देखिए आपको तीन पार्ट मिलेंगे ये जो मिडल वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये जो है ये हमारा इंटेस्टाइन है ये जो इधर बाहर आउटर कवरिंग आपको दिख रही है ये हमारे लार्ज इंस्टेंटाइन है और इसी के अंदर क्वाइल्ड वे में मतलब हाईली क्वाइल्ड होती है बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होती है बहुत छोटे से स्पेस में एकदम क्वाइल होके ये हमारी स्मॉल इंस्टेंटाइन प्रेजेंट होती है ये जो आपको अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ये पार्ट हमारा किसका है ये पार्ट है हमारा स्मॉल इंस्टेंटाइन का ठीक है इसके बाद जब मैं आपको पढ़ा रही थी आपने अगर आपने पा, आ, पार्ट फर्स्ट देखा होगा मेरे वीडियो का यानी ह्यूमन डाइजेशन का पार्ट फर्स्ट देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ग्लैंड होती हैं बहुत सारे और ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं टाइम टू टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशन करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम का सिक्रीशन करते हैं ये और डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं तो यहाँ पे आपको जो दिख रही है यहाँ पे आपको जो टाइम के अलावा जो दो फिगर दिख रहे हैं वो हमारी दो ग्लैंड हैं पहला आपको ये जो रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है ये है हमारा लीवर ये जो लीवर होता है ये हमारे हमारी लॉन्गेस्ट यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है सबसे हमारी बॉडी की ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड अगर आपसे कोई पूछता है कि human body की सबसे बड़ी gland कौन सी है तो वो लीवर है और उसका शेप थोड़ा कुछ इस टाइप का होता है आई होप आपको दिख रहा हो uh, मैं दो मिनट के लिए अपने आपको ऑफ कर रही हूं ये देखिए ये जो आपको शेप दिख रहा है ये लीवर का शेप है ठीक है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इस ये हमारी बॉडी की ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ठीक है क्लियर हो गया ह्यूमन बॉडी की ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और इसके अलावा जो आपको इधर दिख रहा है क्रीम कलर का ये है हमारा पेनक्रियास ठीक है ये जो क्रीम कलर का है, आपको दिख रहा है ये जो क्रीम कलर की ग्लैंड आपको दिख रही है ये है हमारी पेनक्रियास और यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है लाइक स्ट्रक्चर -like इसे हम क्या कहते हैं गॉल ब्लेडर कहते हैं ठीक है क्लियर हो गए ये सारे पार्ट अब मैं आपको डिटेल वे में इनके बारे में पूरा बताती हूँ ठीक तो इंस्टेंटाइन जो हमारी होती है जो हमारी स्मॉल इंस्टेंटाइन होती है वो बहुत ही अः बड़ी होती है इसकी लेंथ लगभग मीटर के आसपास होती है, यानी एक ये छोटे से स्पेस में 7.5 पॉइंट फाइव मीटर लेंथ की इंटेस्टाइन हमारी क्वाइड होती है ठीक है इसके अलावा क्या होता है ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ये हमारे लीवर के लोअर सॉरी नॉट लीवर स्टमक के लोअर पार्ट से जुड़ी हुई हो होती है यानी स्टमक में जब हमारे प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है तो हमारा खाना आता है uh, हमारे इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पे फर्दर डाइजेशन स्टार्ट होते हैं जहां पे फर्दर डाइजेशन होता है uh, हमारे फूड मटेरियल का हमारे न्यूट्रिय का इसमें क्या होता है यहाँ पे जब uh, जैसे ही हमारा फूड मेटीरियल आता है तो हमारे ये जो दोनों ग्लैंड है जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया दैट इज लीवर एंड पैनक्रियास ये जो है अपना सिक्रीशन भेजते हैं इसके अलावा बहुत सारे सिक्रीशन बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो है वो इंटेस्टाइन भी रिलीज करती है एंड यही पे इसी पार्ट में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है यानी सारे न्यूट्रिएंट हमारे सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है तो यहां पे आपको समझ में आ गया तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही फूड यहाँ पे आता है ये जो हमारा लीवर है ये सिक्रीशन करता है जिसका नाम होता है कि एंजाइम का सिक्रीशन करता है जिसका नाम क्या होता है बाइल जूस ठीक है एक एंजाइम का सिक्रीशन करता है जिसका नाम होता है बाइल जूस इसके अलावा जो हमारा पेनक्रियाज होता है है, ये जो है सिक्रेशन करता है पेंक्रियाटिक जूस का ठीक है समझ में आ गया एक बार मैं आपके लिए फिर से बता देती हूँ लीवर जो होता है हमारा वो रेडिस ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ये, एक करती है ये एक इंजाइम का सिक्रेशन करती है जिसका नाम होता है बाइल जूस एक इंजाइम का सिक्रेशन हमारी लीवर ग्लैंड करती है जिसका क्या नाम होता है बाइल जूस और ये जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जाके टेम्प्रोली स्टोर हो जाता है क्या होता है क्या लीवर जो है उसको तो पता होता नहीं है क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो है नहीं वो एज अ साइड रोल प्ले करता है ठीक है वो साइड पार्ट प्ले करता है तो क्या करता है उसको पता नहीं चलता कि खाना कब आ रहा है क्योंकि खाना तो इं इंटरस्टाइन में जा रहा है तो वो ऑल मतलब बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है तो वो बाइल जूस जो वो प्रोड्यूस करता है वो जाके जब हमारी बॉडी जब हमारे इंटेस्टाइन जो है वो वर्क नहीं कर रही होती है डाइजेशन की प्रोसेस नहीं कर रही होती है तो वो बाइल जूस जाके टेंोली हमारे सेटेलाइट स्ट्रक्चर -like में स्टोर हो जाता है वहां पे जाके इकट्ठा हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं गोल ब्लेडर कहते हैं और ये जो हमारा बाइल जूस होता है ये हमारा यूज होता है फैट के डाइजेशन में यानी जो हम जितना भी ऑयल्स वगैरह खाते हैं जितना घी लेते हैं या जो भी मीट वगैरह जो खाते हैं जो भी फैट कंटेंट फूड आइटम हम लेते हैं तो उस फैट का डाइजेशन कहा होता है इंटेस्टाइन में होता है किसकी वजह से होता है बाइल जूस की वजह से होता है बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है बाइल जूस हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड प्रोड्यूस करती है जिसका नाम क्या होता है लीवर ठीक है यहां तक क्लियर हो गया आपने कई बार सुना होगा कि किसी को गोल ब्लैडर में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इंफेक्शन की वजह से वो क्या होता है डॉक्टर्स क्या करते हैं अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो नॉर्मली जो है उस गोल ब्लैडर को कट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई खास फंक्शन नहीं है ये सिंपली जस्ट जो बाइल जूस है उसे स्टोर करके रखता है थोड़ी देर के लिए टेम्प्रोरली जब तक इंटेस्टाइन को उसके फैट के डाइजेशन के लिए उस बाइल जूस की जरूरत ना पड़े तब तक के लिए वो स्टोर करके रखता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं गोल्ड ब्लडर को कट आउट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जब उसमें इंफेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत ही ज्यादा पेन देता है इसलिए वो क्या करते हैं और अगर उसको ट्रीटमेंट किया जाए या उसको छोड़ दिया जाए तो और बॉडी के पार्ट में और ऑर्गन में उसका फैलने का डर होता है इन्फेक्शन इस वजह से वो सिंपली क्या करते हैं उसे कट आउट करके बॉडी से निकाल देते हैं और सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आप जो है अपनी डाइट में फैट कंटेंट कम कर दीजिए फैट की मात्रा कम कर दीजिए जिससे आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी बॉडी नॉर्मली वर्क करती रहेगी बस आपको फैट कंटेंट को कम कर देना है ठीक है तो समझ में आ गया आपको यहाँ तक चीज उसके बाद बाइल जूस का मैंने आपको बता दिया कि बाइल जूस जो है वो हमारा फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है ठीक है उसके बाद जो है जो हमारा पेनक्रियाज होता है ये जो है लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड होती है जो कि जस्ट बिलो द स्टमक होती है स्टमक के जस्ट नीचे होती है मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाया था आपको अगर अगर याद हो तो अच्छी बात है अगर नहीं याद हो तो आप वापस से जाके फर्स्ट पार्ट देखिए और उसमें अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए कि स्टमक के जस्ट नीचे जो है आपकी पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है और ये जो आपका लीवर होता है ये आपका होता है एबडोमन के राइट right साइड में यानी जो आपका स्टमक है उसके राइट right साइड में इंटेस्टाइन के ऊपर ये सिचुएटेड होता है ठीक है क्लियर हो गया इसके बाद जो आपका पेंक्रियाटिक जूस होता है वो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इन सबको और सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है ठीक है उसके बाद जो फाइनली हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जब मैं आपको हायर क्लासेस की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके तीन पार्ट होते हैं फर्स्ट पार्ट क्या करता है सेकेंड पार्ट क्या करता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी पर क्योंकि अभी सेवेंथ स्टैंडर्ड पे पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे आपको केवल अपर और लोअर पार्ट आप याद रखिए कि इंटेस्टाइन में जाता है पे आपका बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस मिलता है उसके बाद जो है वो आपका लोअर इंटेस्टाइन में जाता है जहां पे इंटेस्टाइनल जूस जो है कार्बोहाइड्रेट को सिंपल सुगर में ब्रेक करते हैं फैट को जो है फैटी एसिड और ग्रेसोरोल में ब्रेक करते हैं और जो हमारा प्रोटीन होता है वो आपका ब्रेक होता है अमीनो एसिड में ये भी मैं आपको बहुत ही डिटेल में में पढ़ाऊंगी हायर क्लासेस जब मैं आपको सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बताऊंगी तो उसमें अमीनो एसिड और इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगी अभी केवल आप नाम जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारा किस में कन्वर्ट होता है हमारा खाना जो हमारा फूड मटेरियल होता है वो हमारे लोअर इंटेस्टाइन में जाता है जहां पे इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो क्या करता है हमारे हमारे कार्बोहाइड्रेट को फाइनली अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता है दैट इज शुगर फैट को जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है और प्रोटीन को जो है वो चेंज करता है अमीनो एसिड में ठीक है और यही से क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ये जो है हमारे न्यूट्रिएंट की सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी कार्बोहाइड्रेट की शुगर फैट की जो है ग्रेसरो ग्रेसेरोल और फैटी एसिड और हमारे प्रोटीन की आ, अमीनो एसिड क्लियर हो गया यहां से क्या होता है हमारी आ, जो इंटेस्टाइन है वो ही फूड का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देती है ठीक है तो क्या होता है जो हमारी इंटेस्टाइन होती है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारी स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा फूड जो है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है जहां पे उनकी नीड होती है ठीक है तो क्या होता है कि इनकी जो हमारी इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो जो है डाइजेशन मतलब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है और इस की आ, प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करती है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं यानी अप डाउन अप डाउन ऐसे बहुत सारे जैसे ये फिंगर है ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बहुत सारे होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है अब सरफेस एरिया क्या होता है देखिए अगर मैं मैं अपना अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रखती हूँ अगर आप इस एरिया की बात करें तो ये देखिए ये एकदम फ्लैट एरिया है यहां पे क्या हो रहा है अगर मैं यहाँ पे एक लिक्विड रखती हूँ तो सिर्फ इस एरिया तक रहेगा ठीक लेकिन अगर ये फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शन हो जा रही है तो देखिए अगर मैं किसी लिक्विड को अपने हाथ पे पोर कर रही हूँ तो वो इस पार्ट से लेके इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक पूरा हमारा एब्जॉर्प्शन का काम वो करेगा तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से क्या हो रहा है जो अः uh, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो रही है कैसे इंक्रीज हो रही है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से इंटेस्टाइन uh, का जो है वो सरफेस एरिया बढ़ रहा है और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जितना सरफेस हमको मिल रहा है अलग अलग एब्जॉर्प्शन के लिए यहां से भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहां से भी एब्जॉर्प्शन हो, हो रहा है यहां से भी हो रहा है यहां से भी हो रहा है तो जितना ज्यादा स्पेस हमें मिल रहा है उतना एब्जॉप होगा तो इस वजह से वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरी इनर वॉल पे इंटरस्टाइन के होता है जिसे हम क्या कहते हैं विलाई कहते हैं ठीक है सो so, इन्हीं विलाई की वजह से क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है और Uh, जो है एबजॉर्प्शन की प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है और फिर जो है एब्जॉर्प्शन होके इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं उसी ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करता हुआ फूड हमारा जहां पे भी जाना होता है वहां पे उस बॉडी पार्ट में उस ऑर्गन में पहुंच के अपना वर्क करता है जहा पे एनर्जी की जरूरत है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत है, है हर जगह की प्रोसेस हर जगह के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड आइटम वहां पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं ठीक है यही चीज यहाँ पे आपकी लिखी हुई है देखिए ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एब्जॉर्न जब फूड जो है हमारा इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू होता है तो ये प्रोसेस हमारी क्या होती है एब्जॉर्ब कहलाती है इसके अलावा जो हमारा सब्सटेंस होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ट्रांसफर होता है ये आपका लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जहां पे ये, ये यूज होता है और दिस इज कॉल्ड ऐसीमेशन ये जो प्रोसेस होती है यह जो ट्रांसफर ऑफ फूड होता है थ्रू ट्रांसफर ऑफ फूड होता है थ्रू ब्लडेंट टाइम इसे हम क्या कहते हैं है? जब फूड एब्सॉर्ब हो रहा है तो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्ब जब हमने फूड को खाया तो इजेशन ठीक है उसके अलावा जब फूड जो है वो मूव कर रहा है दूसरी बॉडी पार्ट में तो उसे हम क्या कहते हैं एसिमुलेशन कहते हैं क्लियर हो गया यहाँ तक नाउ कम्स टू नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए इंस्टेटाइन की एक फोटो लगा रखी है एक पिक्चर लगा रखी है जिसमें आपको विलाई दिख रहा है ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है आपको ये इंटेस्टाइन की फोटो है स्मॉल इंटेस्टाइन की और ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है यही है आपका विलाई ठीक है क्लियर नाउ कम्स टू नेक्स्ट लार्ज इंस्टेटाइन लार्ज इंस्टेंटाइन क्या होती है लार्ज इंस्टेंटाइन आपकी बहुत ही वाइडर होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंस्टेंटाइन इसके अलावा इसकी लेंथ जो होती है वो स्मॉल इंस्टेंटाइन से कम होती है स्मॉल इंस्टेंटाइन की क्या कितनी थी 7.5 मीटर जबकि इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग होती है हमारी 1.5 मीटर ठीक है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर अब इसमें क्या होता है इस वाले पार्ट में क्या होता है पूरा डाइजेशन हो गया न्यूट्रिशन जो है वो स्मॉल इंस्टेंट आइन में ही स्मॉल इंस्टेंटाइन में ही वो एब्सॉर्व होकर एसिमुलेशन की प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट में भी पहुंच गए तो लार्ज इंस्टेंट आइन का क्या काम है लार्ज इंस्टेंट आइन हमारी क्या करती है बहुत सारे सॉल्ट और बहुत सारा वॉटर जो है वो अभी भी रह जाता है हमारे उस अनडाइजेस्टेड फूड में उस अनयूजेबल फूड में बहुत सारा वाटर कंटेंट और बहुत सारे सॉल्ट जो है वो अभी भी रह जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं ठीक है तो ये यहां पे इस पार्ट में जो है वो उस वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्बन होता है ठीक है यानी लार्ज इंस्टेंटाइन का क्या फंक्शन है जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और जो सॉल्ट है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उसको एब्जॉर्व करना और साथ ही साथ जितना भी हमारा रिमेनिंग प्रोडक्ट है जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से थ्रू आउट करना है उसको सेपरेट करना ठीक है इसके बाद यहाँ से हमारी बॉडी लार्ज एंसर टाइम से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में जाता है और रेक्टम से जाने के बाद वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है यानी हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड रहता है सेमी सॉलिड रहता है उसके बाद वो जो फीसेस होता है जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से एनस के थ्रू थ्रू आउट हो जाता है एक्सक्रीट आउट हो जाता है ठीक है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ठीक है जब टाइम टाइम टू हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है जितना भी सेमी सॉलिड पीसेस है वो हमारी बॉडी जब थ्रू आउट करती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इजेशन क्लियर हो गया नाउ कम्स टू नेक्स्ट यहां पे देखिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना रखा है एक वीडियो बना रखा है छोटा सा डाइजेशन की प्रोसेस में इसमें देखिए ब्रोकली जो है वो माउथ के थ्रू गई ऑसो फिगर्स के थ्रू वो नीचे जाना स्टार्ट हुई है ठीक है माउथ के थ्रू ब्रोकली ली गई वो जो है पहुंची स्टमक में ये देखिए स्टमक के जस्ट ऊपर आपको ये लीवर दिख रहा है ठीक स्टमक से पहुंचने के बाद स्टमक में यहाँ पे इसका डाइजेशन हुआ एंड देन ये हमारी यहीं से मूव होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी ये बाहर आपको जो दिख रहा है वो लार्ज इंस्टेटाइन है फिर स्मॉल इंस्टेटाइन में जाके उसका वापस से डाइजेशन होगा डाइजेशन प्रोसेस होगी उसके बाद जो है वो रेक्टम में शिफ्ट होगा और रेक्टम में जागने के बाद एनएस के थ्रू वो हमारी बॉडी से थ्रू आउट हो जाए यहाँ पे आपका एक और है जो कि है डायरिया डायरिया आप सबने सुना होगा बहुत ही कॉमन डिजीज है अगर आपको आ, हुई भी होगी एक आध बार और अगर नहीं हुई है अगर आप लकी है तो आपने सुना जरूर होगा इसके बारे में तो डायरिया क्या होता है डायरिया जब किसी इंसान को जब किसी ह्यूमन बीइंग को बार बार या किसी भी आ, एनिमल को बार बार वोटरी स्टूल पास करने की आ, नीड हो जब उसे लगे कि बार बार उसे वॉटरी स्टूल पास करना है जब वो फ्रीक्वेंटली वॉटरी स्टूल पास कर रहा हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है उस कंडीशन को कहा जाता है डायरिया ये जनरली जनरली की मैं बात कर रही हूं ये लार्ज इंसिडेंट इंफेक्शन इन्फेक्शन होने की वजह से होता है या फिर कई बार फूड पॉइजनिंग रीजन होता है कई बार बैक्टीरियल अटैक रीजन होता है बहुत सारे रीजन होते हैं डायरिया होने के जनरली ये जो कंडीशन है ये अपने आप ही दो तीन दिन में खत्म हो जाती है बिना किसी मेडिसिन के लेकिन कई बार ये आ, बहुत ही ज्यादा हेजाडस होती है आप मतलब डेथ तक कॉज कर देती है अगर ये कंट्रोल्ड वे में ना हो बहुत ज्यादा होने लगे बहुत ज्यादा वोटरी स्टूल अगर किसी को पास होने लगता है तो आ, उसकी कई बार भी हो जाती है, लेकिन जनरल टर्म में में हम देखते हैं कि अपने आप ये दो से तीन दिन खत्म हो जाती है अपने आप ये खत्म हो जाता है विदाउट एनी आउटर मेडिसिन ठीक है लेकिन कई बार आपको डॉक्टर की नीड होती है इसको क्योर करने के लिए अगर इंफेक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है तो क्या होता है कि वॉटरी स्टूल पास करने की वजह से वॉटरी और वो भी बहुत बार बहुत ही फ्रीक्वेंटली पास करने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी से वाटर कंटेंट और सोल्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाता है बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आपको बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो जाती है और इसको ओवरकम करने के लिए सिंपली हमें सॉल्ट वाटर यानी शुगर वाटर और पानी मिला लेना चाहिए बहुत सारी लिक्विड डाइट लेनी चाहिए हार्ड मतलब जो हार्ड डाइजेस्टिव फूड आइटम होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए ये सारे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनसे हम बहुत ही इजीली ओवरकम कर लेते हैं अपनी डायरिया की कंडीशन को ठीक है सो so, इसी के साथ आज आपका ये थर्ड पार्ट भी खत्म हुआ ह्यूमन डाइजेशन का और साथ ही साथ क्लास 7th का आपका चैप्टर टू फिनिश हुआ जो कि था आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही इजिली क्लियर हुई होंगी सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है कोई चीजें नहीं समझ में आई है सो so प्लीज हमें कमेंट कीजिए मैं आपको उसका आंसर दूंगी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे ही आप कमेंट करें या जैसे ही आपका कमेंट है मैं आपको उसका आंसर दे पा सकूँ जो भी आपके डाउट्स हो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा फिर भी अगर आपको डाउट है सो प्लीज कमेंट और टिल देन ज्वाइन दिस ज्वाइन ज्ञानवर्ट नमस्ते